यही तो है सारा ये किसी जमाने में हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंडी। मैं हूं आज अपने कस्बे में और मैं आया हूं राजा कौशल किशोर जो कि एक यहां राजा हुआ करते थे उनके किले में, और मैं ट्राई करूंगा यहां से कुछ आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने की। मेरे साथ है मेरे विकास से रहते हैं हमारे ब्लॉक के लोग, यहां ब्लॉक के लोग बदलते रहे, आप इनको जानते होंगे, ये दिल्ली वाले जो मेरे सहयोगी ब्लॉगर हैं, सहयोगी हैं वो हैं भैया, और बाकी ये भतीजा है। हाय बोलो ना। और हाँ, अभी एंट्रेंस गेट में घुसे ही हैं और ये कुछ इस तरीके का है। और इस किले में एक इंटर कॉलेज चलता है, राजा कौशल किशोर सिंह इंटर कॉलेज, एका फिरोजाबाद, मतलब एका कस्बा का नाम है और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो हम कोशिश करेंगे उसके अंदर जाने की। अभी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये बंद है, और बंद है यहाँ पे, कोई अभी है भी नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी कॉलेज अंदर जाएं, अंदर जाके आपको उसके बारे में आपको दिखाएं। बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये कुछ इस तरह का देखो, आ जाना बात करो। हाँ, उधर राजा साहब रहते हैं, एक बार पूछ के आना, पूछ के आना। मैं जानता ही नहीं हूँ। कोई है भैया? कोई है? चलते हिलने हिलने को दिक्कत नहीं होती है। ये देखो कुछ इस टाइप की सीढ़ियाँ हैं, इसमें जाने के लिए काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है कस्बा एका, और ये है किला। हम जाना चाह रहे हैं किले की छत पे, छत टूटी मूटी सी नजर आ रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि काफी पुरानी है ये। ये इस किले का टॉप फ्लोर है, यहाँ से कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे हैं एक शहर और कस्बा के। ये भी किला है ना छोटू? क्या है दर वहाँ तक देख दो, राजा मतलब राजा के घर के ही थे वो लोग, है ना? ये वाला रास्ता होगा नीचे चलने का। हाँ, इधर से ऐसे ही है, मतलब ऐसे दिख बंद है। एक एंट्रेंस गेट है, तो देखो एसपीजी का ग्राउंड भी दिख रहा है, और लग रहा है कितना पास है। वो बाईपास रोड है जो एटा को कनेक्ट करता है इधर, और इधर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। वो जो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, और ये इतना ये जो एका है, जो कस्बा है, वो इतना ही है। यहाँ से वहाँ तक घर है, इधर घर है और कुछ इधर घर है। हम एका के बीचों बीच में, और बीचों बीच में है ये राजा कौशल किशोर किला, और इस किले के हम टॉप फ्लोर पर खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा लग रहा है, हिस्टोरिक है, हाँ काफ़ी पुराना है इसके बारे में, और इंटरेस्टिंग है ये वाले जो कुछ रेनोवेट भी हुआ है ये वाला ना, आप वहाँ से देखोगे तो इसकी जो हाइट है ना, मे भी तो राजा के पुराने कुछ लोग रहे हैं जो अपने उनके बारे में, तो मुझे लगता है किसी को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट हैं वही राजा साहब ही, मतलब बोलते आने में गाँव में बाबा जी बता सकते हैं उनके बारे में, बट वही है, वो हैं, वो सब फैमिली वाली। जहाँ कौन कौन रहता है? मेरे कौन कौन राजा के घर के ही रहते हैं, हैं बेजो रह रहे हैं, बेहू हैं। हम्म,
जमाने में कितनी ईंटें लगाते थे, ईंट लगाते थे मोटी मोटी दीवार में, कितनी मोटी जमीन पे तो कम से वाली तो बहुत कोशिश करी अंदर इंटर कॉलेज में अंदर जाने की, कॉलेज में अंदर नहीं जा पाए कारणवश कि कोरोना की वजह से बंद है, कोई भी अवेलेबल नहीं है उधर लॉक खोलने के लिए। तो वापस जा रहे हैं, घर नहीं थोड़ा आसपास देख रहे हैं, कुछ विकास भाई आए हैं दिल्ली से तो कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल जियोग्राफिकल कुछ भी देखने को मिले जो अपने हमारे कस्बे की जो खासियत और जो फेमस जो भी जो 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 कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, तो एक बार देखते हैं कुछ और दिखाएंगे वो भी।